तो देखो प्यारे बच्चों, इस वाले सवाल को करो। अगर तुम देखोगे इसमें तो एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है, द वैल्यू ऑफ एन बाय यूजिंग द डाइमेंशनल फार्मूला। देखो अब यहाँ एक्स क्या है हमको नहीं पता है, लेकिन यहाँ हमें ये बात पता है कि साइन इनवर्स एक्स ए की पावर -1, इन सब का जो डाइमेंशनल फार्मूला है, डाइमेंशनल लेस है, एम नॉट एल नॉट टी नॉट है, तो इसको मैं 1 लिख सकता हूँ। तो इस एक्सप्रेशन को मैं सिंपल कर सकता हूँ, इंटीग्रल ऑफ डी एक्स, डी एक्स कोई वेरिएबल होगा लाइक लेंथ, 2ax -x² अंडर रूट, दैट इज मस्ट बी इक्वल टू ए की पावर एन, क्योंकि इधर का डाइमेंशनल लेस चला गया। तो अब प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी से 2x का डाइमेंशनल फार्मूला x² के इक्वल होना चाहिए। तो इस एक्सप्रेशन को, इस इंटीग्रल को मैं डाइमेंशन के पॉइंट ऑफ व्यू से लिख सकता हूँ, डी एक्स 2ax अंडर रूट, ठीक है ना, बराबर होगा डी एक्स या x² अंडर रूट, ये सब बराबर होंगे ए की पावर एन से। तो अगर मैं इसमें से किसी का भी यूज करके एन की वैल्यू निकाल सकता हूँ, ठीक है, मेरी मर्जी भाई। तो अगर मैं इसका यूज करूँ, कौन से एक्सप्रेशन का यूज करूँ मैं, इसका यूज करना मेरे लिए आसान है, क्योंकि यहाँ पर मैं ए का डायमेंशन निकालना पड़ेगा जो कि यहाँ से आएगा। तो अगर मैं इसका यूज करता हूँ तो अंडर रूट इंटीग्रल डी एक्स और ए एक्स, ठीक है ना, और इजक्वल टू ए की पावर एन। अब ये जो चीज़ है, ये वाली चीज़, एक्स कुछ भी हो, एक्स लाइक लेंथ हो, तो डायमेंशनल लेस आएगा, लेंथ अपॉन लेंथ डायमेंशनल लेस आएगा, ए की पावर एन आएगा, तो ये आ जाएगा एल नॉट आ जाएगा, दैट इज ए की पावर एन, एल नॉट इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, तो 1 इज इक्वल टू एक्स की पावर एन। इस 1 को मैं लिख सकता हूँ ए की पावर 0, दैट इज ए की पावर एन। तो एन की जो वैल्यू है फाइनली 0 के बराबर आ गई, ठीक है। तो ए ऑप्शन इसका सही है। लेकिन अगर इस वाले इक्वेशन को यूज करोगे, इसका यूज करोगे, तो तुम ए का डायमेंशनल फार्मूला निकालना पड़ेगा, और ए का डायमेंशनल फार्मूला ये जो साइन साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए है, यहाँ से निकाल सकते हो, फिर भी सेम सोल्यूशन आएगा। तो आई होप कि आपको मज़ा आ गया होगा समझ के बेहतर तरीके से।